सकते हैं, बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है। हमने झांकी वन लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन प्ले एरिया है, बहुत बड़ा है। झांकी वन का मैप दिखाया हुआ है। ट्रैवलिंग डॉक्टर चैनल, ट्रैवल फूड एंड मोर। सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं ट्रैवलिंग डॉक्टर। तो अगर आप सूरत में रहते हैं, नवसारी रहते हैं, या वलसाड़ रहते हैं, या वापी रहते हैं, और वीकेंड में आप एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां पे आप डे पिकनिक कर सके, तो मैं आपको एक आज ऐसी जगह बताऊंगा जहां पे आप आ सकते हैं और डे ट्रिप कर सकते हैं। तो ये है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है जानकी वन। साउथ गुजरात में जो डांग है उससे पहले वांसदा आता है, वहां पे ये जानकी वन आया हुआ है। तो अंदर बहुत सारी जगह है, आप देख सकते हैं, परिचय केंद्र है, कैफेटेरिया, आदिवासी हट, राशिवन, दसमुड़ वन, सो बहुत सारी जगह है। तो अंदर जाके हम देखते हैं कि कैसी है, क्या है, और यहाँ पे आप क्या क्या इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, तो अंदर जाके हम सब डिटेल में देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे मेन रोड है और यहाँ पे ये पूरा पार्किंग एरिया बना हुआ है। तो पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी गाड़ियां पार्क है यहाँ पर। यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, पार्किंग यहाँ पर फ्री है। बात करें इसके टाइमिंग की, तो सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये पार्क आपके लिए खुला रहता है, और मंडे को ये मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। तो मंडे को आप बिल्कुल भी यहाँ पर मत आइए। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस नहीं ली जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पीछे आपको आई लव जानकी वन ऐसा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कैफेटेरिया भी बना हुआ है, सोविनियर शॉप है पीछे, और ट्राइबल हट भी है, और वॉशरूम की फैसिलिटी है यहाँ पे। गर्मी की सीज़न है, ठंडा पानी आपको यहाँ पे पीछे मिल जाएगा, तो फैसिलिटी सारी यहाँ पे मिलेगी आपको। दोस्तों अभी मैं समर में आया हूँ, यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है, मतलब बिल्कुल भी गर्मी यहाँ पे नहीं लग रही है। वैसे दोस्तों यहाँ जानकी वन में मॉनसून में आएंगे तो जरा ज्यादा मजा आएगा। तो मॉनसून अभी स्टार्ट होने ही वाला है एक महीने में, तो मॉनसून में आएंगे तो यहाँ पे काफी ग्रीनरी रहेगी। तो ये है इंटरप्रिटेशन सेंटर, तो यहाँ पे पूरा जानकी वन का मैप दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, तो वहाँ से हम अंदर गए थे, तो इसके ऊपर से आपको अंदाजा लगेगा कितना बड़ा है ये। तो ये जो हट है बेसिकली महर्षि पतंजलि को डेडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग जो योग की मुद्राएं होती है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे पूरी सह्याद्री जो पर्वतमाला है और वहाँ पे जो जंगल है उसके बारे में दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जैक फ्रूट का पेड़ है। तो यहाँ सबसे पहले स्पॉट पे हम आ गए अशोक वाटिका। तो आफ्टरनून का समय है, करीबन 4:30 बजे है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, एकदम ठंडी हवा चल रही है अभी, बहुत ही ठंडा माहौल है यहाँ पर। तो यहाँ पूरा छोटा सा लेक जैसा बनाया हुआ है, फिर अच्छा माहौल रहेगा यहाँ पे मानसून में अगर आप आएंगे तो। तो ये आम्रवन है, इसमें आम तोड़ना बिल्कुल मना है। तो बाहर से मुझे पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, काफी चलना है आपको इसमें। यहाँ पे ये बिली वन आ गया है अभी। शिव जी को जो चढ़ाते हैं बिली पत्र, उसका वन है बिली वन। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, पहले हम इस साइड जाते हैं, यहाँ पूरे बांस के पेड़ है सब।
यहाँ पे भी बारिश में पानी भरा होगा। अगर आप बारिश में आएंगे तो जगह जगह पे ऐसे छोटे ब्रिज बनाए हुए, नीचे से पानी जाता है। यहाँ पे नारियल के पेड़ भी है। तो दोस्तों इधर जानकी वन में आके बहुत चलना है, तो आप उस हिसाब से ही प्रिपेयर होके ही आइएगा। चलना बहुत पड़ेगा आपको, बहुत ही बड़ा है। मतलब बाहर से ऐसा लगेगा कि छोटा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है यहाँ पे ये। तो मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है। कंटिन्यूस पानी की सप्लाई पेड़ को चालू ही रहती है यहाँ पे। तो देखिए आप, काफ़ी बड़ा है। अभी आगे तक है, वहाँ तक आगे तक जाना है। और एंट्री आपको उसके भी पीछे दिख रही होगी, एकदम पीछे है एंट्री। तो काफ़ी हम दूर तक आ गए यहाँ पे। यहाँ औषधि वन है। थक जाए तो यहाँ पे ऐसे बेंच के ऊपर बैठ सकते हैं। तो यहाँ सामने जानकी वन लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है यहाँ पे ये। यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बनाया हुआ है। तो मॉनसून में आप आएंगे तो यहाँ नीचे पूरा पानी होगा और ऊपर ये ब्रिज है, और आप ऊपर से फोटो लेंगे, बहुत ही बढ़िया फोटो आएगी आपकी। पूरी सोलर पैनल लगा के रखी है यहाँ पर, तो यहाँ की जो लाइटिंग है वो इससे ही चलती होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है चंदन वन। तो यहाँ पे ये वाल्मीकि आश्रम है। ये देवफल वन है। तो यहाँ पे कैफेटेरिया भी बना हुआ है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, छाछ, लस्सी, बिस्किट वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे ये ट्राइबल्स की हट दिखाई हुई है। पीने का रस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये छोटी टॉय की शॉप भी बनी हुई है। तो यहाँ पे ये जानकी वन खत्म हो जाता है। डायरेक्टली आपको पार्किंग में ही एग्जिट मिलता है। तो वहाँ पे सामने हमने गाड़ी पार्क की है, तो वहीं पे हम निकलेंगे यहाँ से। ये एग्जिट गेट है। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पे जानकी वन में आके। तो आप भी अगर वन डे पिकनिक करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइए, बच्चों को लेके आइए। यहाँ पे थोड़ा चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। गार्डन भी बना हुआ है, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून के सीज़न में ही यहाँ पे आइए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये जानकी वन का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आप अगर चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। घूमते रहिए और खाते रहिए। स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।